देखिए, बेहद शर्मनाक है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि जब जब दिल्ली की सरकार जनता के हक में हित में कुछ फैसले लेती है, माननीय मोदी जी कुंठा से ग्रसित होके और अपने दूतों को दिल्ली की सरकार के मंत्रियों को, विधायकों को परेशान करने के लिए भेज देते हैं। आपको याद होगा कि मोहल्ला क्लिनिक जैसे ही बने उसके बाद से लगातार माननीय सत्येंद्र जैन जी को परेशान किया जा रहा है सीबीआई के ज़रिए। उनकी बेटी वॉलंटियर कर रही थी, उसमें उनको परेशान किया गया, केस रजिस्टर किया गया और अभी दो दिन पहले ही उसमें फैसला आया कि उनकी बेटी के खिलाफ सीबीआई कोई भी चार्जेस प्रूव नहीं कर पाई और मामला क्लोज हो गया, ख़त्म हो गया। इसके अलावा आपको याद होगा कि शिक्षा के अंदर जो मनीष सिसोदिया जी आमूलचूल परिवर्तन कर रहे हैं, जो बदलाव ला रहे हैं, मोदी जी उससे भी घबराए और उनके पीछे भी सीबीआई लगा दी, उनके यहाँ रेड हुई, पूछताछ हुई, तमाम तरह की चीज़ें हो रही। और अब अभी दो दिन पहले की बात है कि प्राइवेट अस्पतालों की जो गुंडई है उसके ऊपर नकेल कसी है। इस देश के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अस्पताल जो है वो आम आदमी को लूट रहे थे, उल जलूल बिल फाड़ रहे थे उनके खिलाफ। तो इस पर जब एक्शन लिया गया, इस पर जब कार्रवाई की गई और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जब ये सुनिश्चित किया दिल्ली की सरकार ने, माननीय जैन साहब ने, ताकि वो लूट बंद हो सके, तो तुरंत उसके दो दिन बाद ही देखिए कि फिर से जो है माननीय मोदी जी का तोता सक्रिय हो जाता है और उनके खिलाफ फिर से एक रेड डाल दी जाती है। तो ये प्राइवेट अस्पतालों में किसका पैसा लगा हुआ है, कौन से ऐसे लोग हैं जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, जिसे बचाने के लिए मोदी जी इतने व्याकुल हो जाते हैं कि अपनी सीबीआई को बार बार जो है जैन साहब के खिलाफ और दिल्ली सरकार के मंत्रियों, विधायकों के खिलाफ छोड़ देते हैं, ये सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात यह भी है कि माननीय मोदी जी को परेशानी किससे है। परेशानी हमसे है, हमारी नीतियों से है, पॉलिसी से है कि दिल्ली की जनता से है। हमसे परेशानी साफ समझ में आती है कि हमने उनको हराया, वो पराजय स्वीकार नहीं हो रही है, दिल्ली की जनता से वो बदला लेना शुरू कर दे रहे हैं, ये गलत बात है। हमसे बदला लीजिए, हमें जेल पहुंचाइए, आप जहां मन करे वहां डाल दीजिए, फांसी पटका दीजिए, लेकिन दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली की जनता के हक में, हित में जो हम काम कर रहे हैं, कम से कम वो तो मत करिए। और आपने एसजी साहब बिठा रखे हैं पहले से ही, तो वो रद्दीकरण का काम तो चल ही रहा था, रद्द करते करते अब रेड भी मारने लगे। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। हम कहना ये चाहते हैं कि ये रद्द करो वाली राजनीति के बाद रेड मारो वाली राजनीति से हम डरने वाले नहीं हैं, घबराने वाले नहीं हैं और दिल्ली की जनता के हक में पहले भी काम करते रहे हैं। जितने भी लोगों की गुंडागर्दी चलते रही है दिल्ली के अंदर, चाहे शिक्षा के माफिया हो, चाहे अस्पताल के माफिया हो, इन सभी लोगों की गुंडई दिल्ली सरकार बंद करके मानेगी।